भीमपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की रहा करती थी। राधा अपने मम्मी के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले ही उसके पिता का मृत्यु हो चुका था। राधा की माँ एक छोटी सी दुकान में कपड़ा बेचने का काम किया करती थी। उन्हीं पैसों से उनके घर का गुजारा चलता था। राधा बहुत ही साहसी और ईमानदार लड़की थी। फिर एक दिन जब राधा जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए जा रही थी, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। आवाज़ को सुनकर राधा थोड़ी डर जाती है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही घना और डरावना जंगल था। अरे, ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ है। लगता है यहाँ पर कोई मुसीबत में है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। मुझे चलकर देखना चाहिए, लेकिन ये जंगल तो बहुत डरावना है, कहीं मैं मुसीबत में ना फंस जाऊं। नहीं नहीं, मुझे चलकर देखना चाहिए, क्या पता कोई मुसीबत में हो और उसे मेरी मदद चाहिए। फिर इतना बोलकर राधा आवाज का पीछा करने लगती है। आवाज का पीछा करते करते राधा उस जगह पर पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। राधा देखती है कि एक जादूगर ने किसी रानी को पेड़ में बांधकर रखी हुई है। रानी, आज तुझे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर तू मेरे हाथों से बचना चाहती है तो तुझे अपने बेटे राजकुमार एडवर्ड से मेरी शादी करानी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे जीवन भर के लिए ऊपर पहुंचा दूंगी। नहीं दुष्ट जादूगरनी, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे कभी भी नहीं करा सकती हूँ। तुम एक बहुत ही दुष्ट जादूगरनी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे रानी, बंदी हो फिर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। रानी, तुम राजकुमार को छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तुम्हारे मरते ही मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगी। मैं तुम्हें ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरा दूंगी, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुझे इस तरह तड़पा कर मारने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। राधा पेड़ के पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है और राधा बोलती है, मुझे किसी भी तरह रानी की जान बचानी होगी, वरना दुष्ट जादूगरनी रानी को मार डालेगी और उनके साथ साथ उनके बेटे को भी मार देगी। मुझे जल्द ही कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं और रानी की जान कैसे बचाऊं? राधा ये सब सोच रही थी, तभी उसे एक अच्छा विचार आता है। राधा जादूगरनी के पीछे जाकर उसे जोर से धक्का दे देती है और जादूगरनी जमीन पर गिर जाती है, जिससे जादूगरनी के पैरों में चोट आ जाती है। पैरों में चोट आने की वजह से जादूगरनी उठ नहीं पाती है। फिर राधा जल्दी से जाकर रानी की जान बचा लेती है। लड़की, तुमने ये बहुत बुरा किया है, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखना, एक न एक दिन मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। फिर राधा और रानी उस जंगल से निकलकर थोड़ी दूर चली जाती हैं। लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरी जान बचाई हो। तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। जिसे मैं नहीं जीत पाई उसे तुम इतनी आसानी से जीत गई। बिना डरे हुए तुमने उसका बहुत ही अच्छे से सामना किया, नहीं तो मैं इस दुनिया से जीने का आशा ही छोड़ चुकी थी। मैं सोनगढ़ राज्य की रानी हूँ। एक दिन जब मैं अपने बगीचे में टहल रही थी, तभी ये दुष्ट जादूगरनी मुझे बंदी बना लेती है और यहाँ पर लेकर चली आती है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रानी जी, मेरा नाम राधा है, मैं भीमपुर नाम के गांव में रहती हूँ। रानी और राधा जब बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर राजकुमार एडवर्ड आ जाता है और अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से बोलता है, माँ आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप कहीं भी नहीं मिली। मैंने अपने पूरे राज्य में ढूंढा लेकिन आप कहीं भी नहीं मिली। और ये लड़की आपके साथ कौन है? बेटा एडवर्ड, ये राधा है जो कि मेरी जान बचाई है। माँ आपकी जान, लेकिन वो कैसे? फिर रानी जादूगरनी और राधा के बारे में राजकुमार एडवर्ड को बताती है। बेटा एडवर्ड, आज मैं इस राधा की वजह से ही जीवित हूँ, वरना वो दुष्ट जादूगर ने तो मुझे मार ही डालती। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी माँ का जान बचाया है। अगर तुम नहीं होती तो मेरी माँ जिंदा नहीं होती। राजकुमार, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था। राधा, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर राधा बहुत ही खुश होती है और राजकुमार से बोलती है, हाँ राजकुमार, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर राधा खुशी खुशी अपने घर चली आती है। फिर राधा और उसकी माँ शादी की तैयारियाँ करने लगती है। सभी लोग बहुत ही खुश थे। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन राधा और राजकुमार की शादी होने वाली थी। और राधा अपने कमरे में अकेली होती है, तभी वहाँ पर वही दुष्ट जादूगरनी आ जाती है। क्यों लड़की, आज तो तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो। तुमने उस रानी का जान बचाया है और तुम मुझे धोखा दी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तू चुपचाप चल मेरे साथ, मैं तुझसे अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। नहीं नहीं प्लीज, तुम मुझे छोड़ दो, आज मेरी शादी है। क्या, आज तेरी शादी है? तो फिर बहुत मजा आएगा। मैं तुझे मारकर राजकुमार से शादी कर लूंगी, फिर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं नहीं जादूगरनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। जादूगरनी राधा की एक नहीं सुनती है और उसे लेकर अपनी जादुई शक्ति से गायब हो जाती है। बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। जादूगरनी, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? मूर्ख लड़की, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, ये बहुत ही ऊंचा जगह है, यहाँ पर तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उस दिन तुम मुझे धक्का देकर गिरा दी थी ना, आज मैं भी तुझे इसी पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिरा दूंगी, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुमने उस दिन मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। तो तुम कौन सा मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हो? तुम एक बहुत ही दुष्ट जादूगरनी हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मूर्ख लड़की, पागल हो गई है क्या तुम? तू ये मत भूल कि मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं सभी को मार डालूंगी और तुम्हारी जगह लेकर राजकुमार से शादी कर लूंगी। तुम अपने इस बुरे इरादों में कभी भी नहीं कामयाब हो पाओगी। भगवान मेरी मदद करो। और जोर से चिल्ला लड़की, तू जितना चिल्ला चिल्ला कर तड़पेगी मुझे उतना ही मजा आएगा। बचाओ बचाओ, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, आज तो मेरी शादी है, अब बारात भी आ गई होगी, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ से एक परी उड़ती हुई जा रही थी और उसे राधा की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो परी राधा को बचाने के लिए उसके पास आती है। तुम यहाँ पर किसी मासूम की जान लेना चाहती हो? तुम इस लड़की को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। परी, तू यहाँ से चली जा, वरना मैं इसके साथ साथ तुझे भी मारकर इस पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। जादूगरनी की बात सुनकर परी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर परी जादूगरनी को नीचे गिरा देती है, जिससे जादूगरनी की मृत्यु हो जाती है। फिर परी अपनी शक्तियों से राधा को आजाद कर देती है। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। आज मेरी शादी है और घर पर किसी को भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। परी जी, आप मुझे जल्दी से घर पहुँचा दीजिए। अरे राधा, आज तुम्हारी शादी है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये जादूगरनी ने तो तुम्हारे कपड़े ही गंदा कर दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उड़ने वाला जादुई लहंगा देती हूँ। इतना बोलकर परी राधा को जादुई उड़ने वाला लहंगा देती है। राधा, ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे शादी का गिफ्ट है, तुम इस जादुई उड़ने वाले लहंगे को पहन लो, इसे पहनने से तुम बहुत ही जल्द अपने घर पहुंच जाओगी। क्या सच में परी, ऐसा हो सकता है? आप एक बहुत ही अच्छी परी हैं। फिर परी वहां से चली जाती है। फिर राधा उस जादुई उड़ने वाले लहंगे को पहन लेती है। राधा जैसे ही उसे पहनती है, वो उड़ते हुए अपने घर पहुँच जाती है, जिससे राधा के घर वालों को पता भी नहीं चलता है। फिर राधा और राजकुमार की हंसी खुशी शादी हो जाती है। फिर राजकुमार और राधा हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक गांव में एक भूषण नाम का सेठ रहा करता था। उस सेठ की दो बेटियां थी, करीना और करिश्मा। करीना और करिश्मा को बाहर घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। फिर एक दिन वे दोनों अपने पिता भूषण से बोलती हैं, पापा, आज हम लोग पार्क घूमने जाएंगे, वहाँ पर घूमने में बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, आपको तो पता ही है कि हम लोगों को घूमना कितना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों को घूमना बहुत ही पसंद है, लेकिन तुम लोग उस जंगल में मत जाना। ठीक है पिताजी, हम लोग जंगल घूमने के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग तो पार्क घूमने के लिए जा रहे हैं।
इतना बोलकर दोनों बहनें पार्क घूमने के लिए चली जाती हैं। फिर एक दिन दोनों बहनें आपस में बैठकर बातें कर रही थी। करिश्मा, चलो आज हम दोनों जंगल घूमने के लिए चलते हैं। जंगल घूमने में भी बहुत मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दीदी, पापा ने तो मना किया है, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। अगर ये बात पापा को पता चलेगी तो पापा हम लोगों को बहुत डांटेंगे। दीदी, पापा ने तो उस जंगल को घूमने से बहुत बार मना किया है, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। अरे करिश्मा, हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते हैं? और वैसे भी पापा को ये बात पता चलेगी तब तो वो हमें डांटेंगे। हम दोनों में से पापा को कोई भी नहीं बताएगा, फिर पापा को ये बात कैसे पता चलेगी? ठीक है दीदी, लेकिन हम दोनों वो जंगल जल्दी घूमकर घर वापस लौट आएंगे। इतना बोलकर करीना और करिश्मा जंगल घूमने के लिए चली जाती हैं। वो जंगल देखने में बहुत ही सुंदर था। करीना उस जंगल को देखकर बोलती है, अरे करिश्मा देखिए, जंगल देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। फिर पिताजी हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए क्यों मना कर रहे थे? हाँ दीदी, सच में ये जंगल देखने में तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चलो दीदी, हम लोग और आगे चलकर जंगल घूमते हैं। फिर दोनों बहनें जंगल घूमने के लिए और आगे चल देती हैं। वे दोनों और आगे जा रही थीं तभी करीना की नज़र एक सुंदर से घर पर पड़ती है। करीना अपनी बहन करिश्मा से बोलती है, करिश्मा वो देख, वो कितना सुंदर घर है, जरूर उस घर में कोई रहता होगा, चलो हम दोनों चलकर देखते हैं। इतना बोलकर करीना और करिश्मा उस घर के अंदर आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उन दोनों की नज़र दो सुंदर ड्रेस पर पड़ती है। दीदी वो देखो, वहाँ पर कितनी सुंदर ड्रेस है, चलो हम लोग एक एक ड्रेस ले लेते हैं। इतना बोलकर दोनों बहनें अपने लिए एक एक ड्रेस को लेकर घर चली आती हैं। घर आने के बाद वो दोनों अपनी ड्रेस को पहन लेती हैं, जिससे वे दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन दोनों को भूख लग जाती है। करिश्मा मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो किचन में चलकर कुछ खा लेते हैं। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। फिर वे दोनों किचन में जाकर पूरा खाना खा जाती है। ऐसे ही अब दोनों बहनें पूरा खाना खा जाती थी, इस कारण भूषण के घर में खाना बनाने वाली कोई भी नहीं आती थी। क्योंकि करीना और करिश्मा जब तक सो नहीं जाती थी तब तक पूरे दिन वे दोनों खाना ही खाती रहती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भूषण के घर में एक नई नौकरानी खाना बनाने वाली आती है। भूषण भैया, मैं आपके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ, मुझे सभी तरह के व्यंजन बनाने आते हैं। आपको जो भी खाने का मन हो आप मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपके लिए वो व्यंजन बनाकर रख दूंगी। काम वाली की बात सुनकर भूषण बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता है, तुम बस मेरे दोनों बेटियों को ही खाना खिला दो, वही बहुत हो जाएगा। पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया है, कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खाना खा रही हैं। आज से उन दोनों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अच्छे से काम करना। फिर काम वाले किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो काम वाली बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर तैयार कर देती है। तभी वहाँ पर करीना और करिश्मा आती हैं और साथ में भूषण भी आता है। माली खाना खाइए और मुझे बताइए कि खाना कैसा बना है, अगर खाने में कोई भी कमी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अरे मेरे भाग्य में तो कुछ दिनों से खाना खाना ही नहीं लिखा है, मेरी बेटियों से अगर खाना बचेगा तभी तो मैं खाऊंगा, नहीं तो पानी पीकर रोज की तरह सो जाऊंगा। फिर दोनों बहनें जैसे ही खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलती हैं, पूरा खाना उन दोनों के मुंह में चला जाता है। पूरा खाना खा जाने के बाद भी करीना बोलती है, अरे आपने कितना कम खाना बनाया था, पूरा खाना खत्म हो गया फिर भी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप मेरे लिए और खाना लाइए। हाँ मुझे भी और खाना चाहिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मालिक ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना खाना बनाई थी फिर भी खाना कम पड़ गया है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। हाँ तभी तो मैं तुम्हें बुलाया हूँ, ये दोनों सोने के अलावा दिन भर खाना खाती रहती हैं, पता नहीं इन लोगों को कुछ दिनों से क्या हो गया है। ठीक है साहब, जब तक ये दोनों सो नहीं जाती हैं, तब तक खाना बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना बोलकर काम वाली फिर से खाना बनाकर लाती हैं। फिर दोनों बहनें जैसे ही अपना मुंह खोलती हैं, सारा खाना उन दोनों के मुंह में चला जाता है। फिर रात होते ही दोनों बहनें अपने कमरे में सो जाती हैं। उन दोनों के सोने के बाद काम वाली सोचती है,
आखिर क्या बात है इन दोनों लड़कियों में जो वे दोनों इतने खाना खा रही हैं? इतना खाना तो कोई भी नहीं खाता है। मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है जो ये दोनों इतने खाना खा रही हैं। फिर काम वाली उन दोनों लड़कियों पर नजर रखने लगती है। काम वाली देखती है कि वे दोनों जैसे ही ड्रेस को पहन रही हैं, उन लोगों के अंदर तो कुछ हो रहा है। फिर वे दोनों जैसे ही ड्रेस को निकालती हैं, उन दोनों को नींद आ जाती है। करीना और करिश्मा को नींद इसलिए आती थी क्योंकि वो दोनों सोने से पहले अपनी ड्रेस निकाल दिया करती थी। बात यह है कि वे दोनों जंगल से जो ड्रेस लाई हैं, वो एक भूतिया ड्रेस है। काम वाली को जब ये बात पता चलती है तो काम वाली सारी बात भूषण से बताती है। अच्छा तो ये बात है, लगता है मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग जंगल घूमने के लिए गई थी। मैं उन दोनों को जंगल में ना जाने के लिए बार बार मना कर रहा था लेकिन उन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। मालिक मुझे लगता है उन दोनों ड्रेस को हम लोगों को जला देना चाहिए। उन दोनों ड्रेस को जलाने से क्या पता करीना और करिश्मा फिर से पहले जैसा हो जाएं। चलिए मालिक उन दोनों ड्रेस को हम दोनों जला देते हैं। हाँ तुम सही कहती हो। फिर करीना और करिश्मा जब सो रही थी तभी कामवाली और भूषण चुपके से उनके कमरे में जाते हैं और उन दोनों ड्रेस को जला देते हैं। दोनों ड्रेस के जलते ही भूषण की दोनों बेटियाँ ठीक हो जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर कामवाली उन दोनों के लिए ढेर सारा खाना बना कर रखी थी। इतने ढेर सारे खाने को देख कर करीना बोलती है, अरे पिताजी इतने ढेर सारे खाना भला कौन खाएगा? आप इतने ढेर सारे खाना क्यों बनवाए हैं? हाँ पिताजी इतना ढेर सारा खाना भला कौन खाएगा? करीना और करिश्मा की बात सुनकर भूषण बहुत ही खुश होता है। भूषण समझ जाता है कि उसकी दोनों बेटियाँ ठीक हो चुकी हैं। फिर भूषण पिछले कुछ दिनों से हो रहे सारी बात उन दोनों को बताता है। ये सुनकर करीना और करिश्मा अपने पिता से माफ़ी मांगती है कि वे दोनों बिना पूछे जंगल में क्यों गई थी। फिर वे दोनों बहनें दोबारा जंगल में कभी भी नहीं जाती हैं और अपने पिता भूषण के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।